हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए रिएक्शन वो शुरू कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये टॉपिक अगर हमारा हो गया तो हमारा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो क्या हो जाएगी, हमारे लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, बड़े ध्यान से अच्छे से समझो टॉपिक को और उसके बाद अपने अपने क्या बनाओ, नोट्स बनाओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या है नाम टॉपिक का? स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, इस वर्ड को हम लोगों ने क्या बोला, स्टोइकियोमेट्री। क्या बोला? स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए रिएक्शन। ओके, तो देखो ये स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि जब हम एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं, जब किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखा जाता है तो उससे शानदार कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, अब बैलेंस फॉर्म में लिखने से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके अंदर, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मासेस में या फिर वॉल्यूम में। ये सब कुछ कैलकुलेट करना इजी हो जाता है हम लोगों के लिए, तो इसलिए हमको एक रिएक्शन को क्या लिखना चाहिए, बैलेंस फॉर्म में लिखना चाहिए। ठीक है ना, अब ये जो हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स में, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, मासेस में या फिर उनके वॉल्यूम में, ठीक है ना, तो ये जो सब चीजें हैं इस सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इन सबसे क्या आता है, एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आता है। क्या आता है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्री बोलते हैं रिएक्शन का। अब स्टोकियोमेट्री जो है इट्स ए ग्रीक वर्ड। देखो स्टोकियोमेट्री क्या है, इट्स ए ग्रीक वर्ड और इस वर्ड का जो मीनिंग है, इस वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है, वो है टू मेजर एन एलिमेंट, टू मेजर एन एलिमेंट, या फिर मैं बोलूं कि मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट। तो एक बात बताओ कि जैसे मेजरमेंट का मतलब क्या है, जैसे हम लोग हैं, हमारी हाइट को मेजर किया जाता है, किसमें मेजर करें, हम लोग फीट में मेजर करें या फिर हम लोग मीटर में मेजर करें या सेंटीमीटर में मेजर करें, तो उससे थोड़ा सा क्या इजी हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम लोग किसी एलिमेंट को मेजर करें इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन टर्म्स ऑफ मासेस, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अब देखो क्या है, इस स्टोइकियोमेट्री से फायदा क्या होगा कि जो हमारी न्यूमेरिकल्स में जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत इजी हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स में जो कैलकुलेशन होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, तो मैंने एक रिएक्शन लिख दिया क्या, एन टू प्लस में थ्री एच टू इट विल गिव यू टू एन एच थ्री। कौन सा प्रोसेस है ये, हैबर प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस। और तो ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है, ये जो रिएक्शन है ना ये रिवर्सिबल होती है। ठीक है, कैटलिस्ट इसमें यूज होते हैं, टेम्परेचर वाली कंडीशन भी है, प्रेशर वाली भी है। ठीक है, और अब लेकिन एक बार मैं इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल शो कर रहा हूं, क्लियर है। अब यहां पर ये जो एन टू है वो भी क्या है, गैस है, एच टू है वो भी क्या है, गैस है, और एन एच थ्री वो भी क्या है, गैस है। तो पहले तो क्या है, किसी रिएक्शन को आपको बैलेंस फॉर्म में लिखना चाहिए, किसी रिएक्शन को किसमें लिखना चाहिए, बैलेंस फॉर्म में। तो वैसे ये रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ये जो रिएक्शन है वो क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इस रिएक्शन के अलावा मैं एक एग्जांपल और भी लूंगा इसके बाद में, है ना। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, कौन सा, गे लुजैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम पढ़ा था ना, क्या था, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो गैसेस के बारे में था। और लकीली ये जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही क्या है, गैस है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके आगे कितना मोल है, वन मोल, तो मैं इसको लिख दूं वन वॉल्यूम, इसको क्या लिख दूं, थ्री वॉल्यूम, और इसको क्या लिख दूं, टू वॉल्यूम लिख सकता हूं। कहां से आया हमारा ये, कौन सा, गे लुजैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम से आया, एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमने इस रिएक्शन को वॉल्यूम की फॉर्म में सिंप्लीफाई कर दिया। लेकिन अगर यही कंडीशन में ले लेता हूं क्या, एट एसटीपी, क्या ले लेता हूं,
एट द एसटीपी। एसटीपी बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर हो तो कंडीशन क्या हो जाती है एसटीपी। तो एसटीपी पे किसी भी गैस का 1 मोल किसके इक्वल होता है 22.4 लीटर होता है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से पढ़ा था, ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो बात यह है कि मैंने बोला 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम बोला, तो इसका मतलब इसके जो आगे नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं 1 मोल, इसके कितने हैं 3 मोल्स और इसके कितने हैं 2 मोल्स। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यानी ये जो रेशियो आया 1 क्या आया इस टू 3 इस टू क्या आया 2, ये आ गया ना। तो ये जो हमने एलिमेंट्स को 1 इस टू 3 इस टू 2 में इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ देयर मोल्स और आगे और भी जाते हैं मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और मासेस ले लेते हैं तो इन टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये जो रेशियो आता है तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं स्टोकियोमेट्री बोलते हैं इस रिएक्शन का। मींस ये रेशियो क्या बताता है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया। इजी हो गया ना रिएक्शन। अब देखो कि एसटीपी पे 1 मोल ऑफ दी गैस कितना होता है बताओ 22.4 लीटर होता है, कितना होता है 22.4 लीटर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं वॉल्यूम में लिखूं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तो 1 into 22.4 क्या लीटर, तो ये कितना हो गया 3 into 22.4 liters और ये कितना हो गया 2 into 22.4 liters। या तो मैं इनको मल्टीप्लाई करके लीटर में वैल्यू निकाल लूंगा बट अल्टीमेटली अगर मैं अ सिंपल होल नंबर रेशियो लूंगा तो वो होल नंबर रेशियो क्या आएगा कि 22.4 यहां से ये तो कट हो गया ना, कितना आएगा 1:3:2 यही तो आएगा। तो हमने क्या किया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बना दिया इन टर्म्स ऑफ देयर मोल्स और ये जो हमने वॉल्यूम में लिया है तो उसको हमने सिंपलीफाई कर दिया सिंपल होल नंबर रेशियो ले लिया 1:3:2। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। इससे बड़ा इजी हो जाता कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ अमोनिया हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया या फिर 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन reacts with 3 volume of hydrogen to give 2 volume of ammonia। kali samajh aa gayi theek hai। ab isse aap number of molecule bhi nikal sakte ho kaise ki 1 mole mein kitne molecules hote hain avogadro number aur avogadro number kya hai 6.022 × 10⁻²। to main isko kya likh sakta hu in terms of molecules bhi likh sakta hu in terms of molecules और ये जो लिखा था वो क्या लिखा था हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखा था ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या करूंगा 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं एवोगाड्रो नंबर या तो मैं पूरी वैल्यू लिख दूं 6.022 × 10⁻², या फिर मैं उसको सिंपलीफाई में लिख दूं क्या Na, फिर यहां पर ये कितना हो जाएगा 3 मोल है तो 3Na और ये 2 मोल है तो कितना हो जाएगा 2Na और अगर आप इसका सिंपल होल नंबर रेशियो लोगे Na से Na कैंसिल करोगे तो भी क्या आएगा 1:3:2 आएगा। कारी समझ रहे हो। तो इस चीज को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं स्टोकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं स्टोकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। इससे हमारी कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाएगा ठीक है। अगर मैं बोलता कि 22.4 लीटर जो नाइट्रोजन है वो रिएक्ट करती है कितने से 67.2 लीटर हाइड्रोजन से टू प्रोड्यूस कितना 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब इसको मैं सिंपल बोल दूं, अब देखो मैं बोल दूं कि 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन 22.2 से ये सब कैंसिल आउट हो गया तो 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टू गिव यू 2 लीटर ऑफ अमोनिया, कितना सिंपलीफाई हो गया। तो कैलकुलेशन में बड़ा क्या हो गया इजी हो गया। तो इसलिए कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं क्या बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। कल समझ आएगी। अब ये स्टोइकियोमेट्री है वो किस में हो सकता है मोल और मोल में भी हो सकता है ठीक है ना, मास में भी हो सकता है। अगर मैं मास में लूं जैसे N2 का मास कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मास क्या हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा, H2 3H2 का मास कितना हो जाएगा 6 ग्राम हो जाएगा और एनएसटी का मास कितना होता है 17 और 2 का कितना हो जाएगा 34, इसमें भी ले सकता हूं। लेकिन ये जो ग्राम है
ग्रैम को हम लोग स्टोइकियोमेट्री में काउंट नहीं करते हैं, ग्राम को स्टोइकियोमेट्री में काउंट, क्योंकि ये भी अब हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर मैं सिंपल होल नंबर में लेता रेशो में तो 14:2 क्या हो गया, 3:2 कितना हो गया, 17 हो गया। अब ये रेशो, एक तो देखो मैं रेशो बोलू क्या, 1:3:2, वेरी सिंपल, और एक को बोलू 14:3:17, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना हर एक रिएक्शन के लिए। तो ग्राम को हम लोग स्टोइकियोमेट्री में काउंट नहीं करते। ये एक्चुअली आया कहां से, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से तो आ गया ना, 28 प्लस में 6 कितना है, 34 है, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बट ग्राम इज नॉट काउंटेड इन स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। व्हाई, क्योंकि फिर आप सिंपल होल नंबर रेशियो लोगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। काली समझ आ रही है, तो हम लोग किसमें लेते हैं स्टोइकियोमेट्री को, हम लोग वॉल्यूम में ले लेते हैं, हम लोग मोल्स में ले लेते हैं, और मास में कई बार, क्योंकि देखो कई न्यूमेरिकल ऐसे भी आएंगे जहां पर आपको मास निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आप मोल ले लो और मोल लेने के बाद मास निकाल लो। कि जैसे N2 के एक मोल का मास कितना होता है, 28 ग्राम होता है, तो आप पहले सिंपल मोल निकाल लीजिए और मोल निकालने के बाद फिर हम लोग मास कैलकुलेट करेंगे। कल समझ लो ना, अब देखो ये जो स्टोइकियोमेट्री है ये हमारे कहां कहां पे काम आता है, कौन कौन सी कैलकुलेशन में काम आता है, तो देखो कैलकुलेशन कौन सी है, नंबर वन, अगर आपके पास मास मास रिलेशनशिप दिया हो, क्या कह दिया हो, मास मास रिलेशनशिप दिया हो, ठीक है, या फिर आपको क्या दिया हो, मास और वॉल्यूम में रिलेशनशिप दिया हो, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर आपको क्या दिया हो, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप दिया, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप दिया भाई। न्यूमेरिकल में आपको ये तीन टाइप के न्यूमेरिकल दे सकते हैं, जहां पे ऐसा न्यूमेरिकल हो जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास और मास में रिलेशनशिप हो, यानी आपको किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास दे दिया जाएगा और दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास पूछ लिया जाएगा, तब आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हो, करेंगे हम सबके एक एग्जांपल लेंगे अच्छे से। या फिर आपको किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास या वॉल्यूम दे दिया जाए और दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास या वॉल्यूम पूछ ले तो वहां पे अप्लाई हो जाएगा, या किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया जाए और दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का क्या पूछ लिया जाए, वॉल्यूम पूछ लिया जाए, तब हम लोग इस स्टोइकियोमेट्री को वहां पे अप्लाई करके हमारी कैलकुलेशन को बड़ा इजी कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग यही करने वाले हैं। हम इन सब के एक एक दो दो तीन तीन जितने हमसे हो पाएंगे हम एग्जाम्पल लेंगे और हम देखते हैं कि क्वेश्चन आता कैसे है और हमको उसको सिंप्लीफाई में वे में कैसे कैलकुलेट करना है। काली समझ आ गई, तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए समझ आ गया ये सब आपको। अब आगे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने तीन रिलेशनशिप लिखे हैं इनके ऊपर एक एक दो दो या जितने भी हमसे हो सकते हैं न्यूमेरिकल करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल हमारे लिए इजी टू कैलकुलेट होते हैं या नहीं होते, ठीक है। चलिए तो ध्यान से, पहला आपको क्या रिलेशन दिया हुआ है, पहला दिया है मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप, कि भाई कुछ ऐसा हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिर्फ मास के बारे में, तो एक क्वेश्चन हो जाए, तो एक क्वेश्चन है दिया, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ Fe2O3। Fe2O3 को क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, आयरन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसका एक कॉमन नेम क्या है, हेमेटाइट, कॉमन नेम क्या है, HAEMET, हेमेटाइट। हेमेटाइट वर्ड कहां से आया, हीम, और हीम वर्ड से क्या है हमारी बॉडी में, हीमोग्लोबिन, तो हमारे जो ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, तो तभी उसका नाम क्या पड़ा है, हेमेटाइट पड़ा है, ठीक है, तो ब्लड में हीम, तो हीमोग्लोबिन से हीम और उसी से हीम से वर्ड क्या है, हेमेटाइट है। चलो तो ये तो बेसिक नॉलेज थी, तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच आयरन कैन बी प्रोड्यूस बाय द रिडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ Fe2O3। तो क्वेश्चन करेंगे कैसे, तो देखो सबसे पहला जो मेथड है, सबसे पहला जो स्टेप है, वो आपको क्या करना है कि आपको रिएक्शन लिखना है और उसको बैलेंस करना है। तो रिएक्शन देखो क्या है कि आपको रिडक्शन करना है किसका, Fe2O3 का, तो Fe2O3
प्लस में रिडक्शन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाना, किसके साथ रिएक्शन करवाना, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस होता है, आयरन, तो इसका मतलब एक प्रोडक्ट आपका आयरन तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। तो अब देखो यहां पे कि Fe2O3 था प्लस में H2 था, तो Fe प्रोड्यूस हो गया, पीछे क्या बचा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर यहां पर क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2। तो ये स्केल्टन रिएक्शन थी, और हम अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए बड़ा सिंपल सा मेथड देखना है कि यहां पर कितने आयरन एटम है, दो, तो यहां पर कितना, एक, तो इसको दो से मल्टीप्लाई करो, सिंपल हो गया, दो आयरन यहां पे, दो आयरन यहां पर। अब यहां पर कि कितने ऑक्सीजन है, तीन, लेकिन यहां पर तो कोई ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं, यहां पर कितने ऑक्सीजन है, एक, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, थ्री से, किससे कर दोगे, थ्री से। ऐसा नहीं कि सर यहां पर तीन ऑक्सीजन तो यहां थ्री लगा दो, नो नो नो, आगे मल्टीप्लाई करना है, कोई कोफिशिएंट आना चाहिए, तो क्या कर दोगे, थ्री कर दोगे, कर दिया। अब देखो यहां पर कितने हाइड्रोजन है, दो, अब यहां पर कितने हाइड्रोजन हुए भैया, 3 × 2 = 6 हुए, तो इसको 6 बनाना है, तो क्या कर दूं, 3 कर दूं, क्या कर दूं, 3। तो अब देखो कि दो आयरन, दो आयरन, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, एंड द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है कि आप स्केल्टन रिएक्शन लिखो, और दूसरा स्टेप है कि उस रिएक्शन को सिंप्लीफाई वे में बैलेंस कर लो, और बैलेंस करने के बाद फिर हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। अब देखो इस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री क्या होगा, बताइए क्या होगा, इस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री क्या है कि भैया अगर मैं देखूं कि Fe2O3 कितना है, 1 मोल, रिएक्ट करता है कितने, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से, तो प्रोड्यूस करता है कितना, 2 मोल ऑफ आयरन एंड 3 मोल ऑफ वाटर। तो इस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री क्या हो गया, ये हो गया कि 1 मोल ऑफ Fe2O3 इट रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव यू 2 मोल ऑफ आयरन एंड 3 मोल ऑफ वाटर। ये कहानी समझ आ गई। अब देखो हमें फोकस कहां पे करना है, बोला हाउ मच आयरन कैन बी प्रोड्यूस, तो हमको एक तो इस आयरन पे फोकस करना है बाय द रिडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ Fe2O3, और एक हमको इसके ऊपर फोकस करना है। तो इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ Fe2O3 रिडक्शन पे आपको कितने मोल आयरन देगा, 2 मोल आयरन देगा, कितने मोल आयरन देगा, 2 मोल आयरन देगा, ठीक है। तो एक काम करो कि Fe2O3 1 मोल कितने मोल आयरन देने वाला है, 2, तो आपको जो Fe2O3 का मास दिया हुआ है 1 किलोग्राम, तो उस मास को पहले नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर दो। लास्ट लेक्चर में नंबर ऑफ मोल निकालना सिखाया था, तो मैं इसके नंबर ऑफ मोल निकालता हूं, नंबर ऑफ मोल किसके, Fe2O3 के। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय में मोलर वेट निकाला था ना, तो गिवन वेट कितना है, 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम का मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम अपॉन में Fe2O3 का मोलर वेट क्या होगा, मोलर वेट का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ 1 मोल, या मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल। तो भैया देखो Fe2O3 आयरन का होता है कितना, 56, तो आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 56 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और आपको 3 ऑक्सीजन दे रखे हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 × 16 यानी 48 हो गया, चलो फिर भी देख लेते हैं, तो 2 × 56 आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 112 प्लस में ये कितना हो गया, 48, 112 प्लस में 48 कितना हो गया, 160। तो इसका मतलब कि जो Fe2O3 है इसका जो मोलर वेट है वो कितना आ गया, 160 आ गया, कितना आ गया, 160। तो हम इसको सिंपल कर लेते हैं, कितना करेंगे, ये कर लेंगे 100 अपॉन में 16 कर लेंगे, 100 अपॉन में 16। क्या और सिंपल कर सकते हो, कर सकते हैं, देखते हैं जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती। मैं 4 पे डिवाइड कर देता हूं, तो ऊपर कितना आएगा, 25, नीचे आएगा 4। अब 25 को तो जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी भैया आपके पास, बताओ, ये आ गया आपके पास कितना, 6.25, कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, 6.25। कल ही समझ आ गई, और इसको इतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि आगे कैलकुलेशन में कर लेते, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो अपने पास स्टोइकियोमेट्री क्या था कि 1 मोल ऑफ हेमेटाइट, 1 मोल ऑफ हेमेटाइट कितने मोल ऑफ आयरन प्रोड्यूस करता है, 2 मोल ऑफ आयरन प्रोड्यूस करता है, और अपने से हाउ मच पूछा आयरन, यानी ग्राम में पूछा होगा, तो पहले मोल निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको ग्राम बना लेंगे। तो आप क्या लिखोगे कि 1 मोल Fe2O3, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो समझाना है इसलिए मेरे को लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो समझिए 1 मोल Fe2O3 इट
प्रोड्यूसेस कितना 2 मोल क्या ठीक है। तो आपके पास कितने मोल आ गए 6.25 आ गए ठीक है। तो 6.25 मोल Fe2O3 कितने प्रोड्यूस करेगा, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो 2 × 6.25 यानी कितना आ गया भैया ये 12.50 मोल Fe प्रोड्यूस करेगा। तो आपके पास टोटल कितने आयरन मोल आ गए 12.5 मोल आ गए ना। अब आपको क्या करना है उस आयरन का अमाउंट निकालना है। तो भैया आपके पास है नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं गिवन मास, कैसे निकालते हैं गिवन मास बाय में मोलर मास है गिवन वेट बाय में मोलर वेट ही तो निकालते हैं। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल कितना है आपके पास है कितना 12.50 इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास को मैं एक बार डब्ल्यू लिख दूं क्योंकि ये तो निकालना अपने को। और मोलर मास आयरन का अब मोलर तो है नहीं वो तो एटॉमिक फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा एटॉमिक मास हो जाएगा क्या हो जाएगा एटॉमिक मास। तो इसको यहां पे क्या लिख दो एटॉमिक मास लिख दो। और आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 56 होता है। अगर एक आयरन एटम का मास पूछो तो क्या लिखोगे 56 amu या 56 u। और एक मोल आयरन का मास पूछो तो क्या लिखोगे 56 ग्राम। समझ आ गया ना कहानी ठीक है। अब क्या काम करोगे 56 को यहां ले जाओ मल्टीप्लाई में तो w आ जाएगा। तो w कितना आएगा 12.50 इनटू में 56 कर दोगे ठीक है। अब देखो 56 को 12.50 से मल्टीप्लाई करना है या फिर ये लाने की त्रुटि क्या थी आप क्या ले आते हैं 25/4 ले आते हैं। क्या ले आते हैं 25/4 करके देखो क्या था w आता कितना 25/4 इनटू में क्या करते 56 करते ना। अब देखो 4 बन जा फिर कितना बचा 4 का 25 को 14 से मल्टीप्लाई करना। और मैं मेरे हिसाब से मैं कैसे करता हूं आपको बता दूं मैं इस 14 के दो पार्ट कर लेता हूं। मैं कर लेता हूं 10+4 ठीक है। तो 25 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा ये आएगा 250 ठीक है। प्लस में 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा आपके पास ये आपके पास आ जाएगा 100। 250 प्लस में 100 कितना हुआ 350 कितना हुआ 350 कहानी समझ आ रही है। तो ये आ जाएगा आपके पास 350 ठीक है ओके। लेकिन एक बात और भी है ये 25/4 था इसको मल्टीप्लाई किया किससे 2 से भी तो मल्टीप्लाई किया ना हम लोगों ने भाई 2 मोल दे रहा है ना। तो इसका मतलब इस सारी कहानी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ये जो भी कहानी आई है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 350 × 2 कितना हो गया 700 हो गया बोला ना उसको 350 × 2 कितना हो गया 700। तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी 700 और किसमें आ जाएगी ग्राम में किसमें आ जाएगी ग्राम में। मेरे को आपको समझाना पड़ा इसलिए इतना टाइम लगा वरना जब आपके माइंड में ये आ गया तो आपको इजी हो जाएगा कहानी समझ रहे हो। तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं कि आपके पास क्वेश्चन क्या था कि हाउ मच आयरन कैन बी प्रोड्यूस बाय द रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ हेमेटाइट। सबसे पहले तो रिएक्शन को लिख लेना है उसके बाद उसको बैलेंस कर लेना है सिंपल मेथड से ठीक है। फिर आप रेशो ले लो स्टोकियोमेट्री ले लो स्टोकियोमेट्री में फिर देखो कि किस किस के ऊपर फोकस करना है आयरन के ऊपर फोकस करना है और हेमेटाइट के ऊपर फोकस करना है बस ठीक है। तो उनको मैं सर्कल लगा लेता हूं बाकी उनको सर्कल लगाने की जरूरत है नहीं। तो फिर क्या पता लग रहा है कि 1 मोल ऑफ हेमेटाइट है आपको 2 मोल ऑफ आयरन दे रहा है अब देखो 1 मोल दे रहा है ना लेकिन आपको ये दिया किसमें ग्राम किलोग्राम में दिया। तो सबसे पहले इस हेमेटाइट के क्या बना लो नंबर ऑफ मोल्स सुना दीजिए। नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। 1 किलोग्राम दिया है तो उसको ग्राम में ले लो 1000 ग्राम और मोलर मास Fe2O3 का हमने कितना निकाल लिया 160 निकाल लिया तो ये कितना आ गया 6.25। तो मेरा आपसे पर्सनली बोलना है कि पॉइंट में लेने से बचो क्योंकि ये आपका टाइम को क्या करेगा कंज्यूम करेगा। तो इससे बढ़िया क्या है आप इसको डायरेक्टली लिख दो कितना 25/4 ठीक है क्योंकि आगे भी तो कैलकुलेशन करेंगे इकट्ठी करेंगे। तो ये आपके पास आगे कितना 25/4 क्या गया नंबर ऑफ मोल आ गए Fe2O3 के। तो देखो कि 1 मोल Fe2O3 कितने मोल Fe देता है 2 मोल तो 25/4 मोल Fe2O3 कितने मोल Fe देगा तो इसको आगे 25/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो कितना हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। तो आपके पास आयरन कितना आ गया 12.5 या 25/2 एक ही बात है ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल आ गया आयरन के आपको उसका वेट निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है गिवन मास बाय में
मोलर मास, अब आयरन तो एटॉमिक फॉर्म में है तो एटॉमिक मास लिख दो, तो n कितना है आपके पास, n है 25/2, ठीक है, n कितना है 25/2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना था ना वहां पे, ठीक है, वो हमने किया नहीं था, लास्ट में किया यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, तो देखो 2 को 4 से करोगे तो कितना आएगा, नीचे 2 आएगा, बात तो यही थी, तो n आपके पास है 25/2, n कितना है 25/2, ठीक है ना, और वेट कितना है, एटॉमिक वेट 56, तो इनटू क्या कर दोगे 56, तो क्या जाएगा W, अब इसको काट दो किसके ऊपर 28 पे गया, ठीक है, इस पे गया 28 पे, अब इस कैलकुलेशन को भी इजी कैसे करेंगे को ध्यान से, तो क्या करना आपको, मैं तो सिंपल सा करता हूं क्या कि 25 को मल्टीप्लाई करना, इस 28 को क्या कर दो 20 प्लस में 8 करो, क्या कर दो 20 प्लस में 8, तो बड़ा इजी हो जाता है, कैसे, पहले इस 25 को 20 से मल्टीप्लाई करो, वो तो हम जानते हैं कितना आएगा 500 आएगा, कितना आएगा 500 आएगा, प्लस में अब 25 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 200, तो 500 प्लस में 200 कितना हो जाता है 700 हो जाता है, तो आपका जो W है वो कितना जाएगा 700 ग्राम, कहानी क्लियर है, तो ये था हमारा किसका मास और मास रिलेशनशिप का, एक बार इसको उतारो और उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ AgCl इज फॉर्मड बाय द एक्शन ऑफ 5.850 ग्राम ऑफ NaCl ऑन एन एक्सेस ऑफ AgNO3, ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो देखो ध्यान से वही मेथड, क्या करेंगे सबसे पहले जो स्केलेटल रिएक्शन है वो लिखेंगे, तो क्या बोलता है, बाय द एक्शन ऑफ दिस 1 ग्राम ऑफ NaCl ऑन एन एक्सेस ऑफ AgNO3, तो रिएक्शन क्या है, NaCl ने रिएक्ट किया किसके साथ में, AgNO3 के साथ, और AgNO3 क्या था, एक्सेस में था, क्या था ये एक्सेस में, तो बनेगा क्या भैया, यहां का Ag यहां का Cl, एक तो क्या बनेगा AgCl, प्लस में यहां का Na यहां का NO3 क्या बनेगा NaNO3, तो ये तो रिएक्शन थी, अब देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है, एक सोडियम एक सोडियम, एक Cl एक Cl, सिल्वर एक है सिल्वर एक है, और नाइट्रेट एक है नाइट्रेट एक है, तो यही रिएक्शन स्केलेटल रिएक्शन है, और यही रिएक्शन क्या है बैलेंस्ड रिएक्शन, अब इस रिएक्शन का स्टोकियोमेट्री क्या है, स्टोकियोमेट्री ये है कि 1 मोल ऑफ NaCl इट रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ AgNO3 टू गिव 1 मोल ऑफ AgCl एंड 1 मोल ऑफ NaNO3, ये इस रिएक्शन का क्या हो गया स्टोकियोमेट्री हो गया, ठीक है ओके मेट्री, अब बात ये है कि हमको फोकस किस पे करना है, क्या बोलते हैं कि व्हाट अमाउंट ऑफ AgCl इज फॉर्मड, हमको इस AgCl का अमाउंट निकालना है, ठीक है, इसको फोकस करें उसको सर्कल कर लो, बाय द एक्शन ऑफ 5.850 ग्राम ऑफ NaCl, आपको NaCl की वैल्यू दी है और NaCl कितना दिया है 5.850 ग्राम में दिया है, तो आपको क्या दिख रहा है कि 1 मोल ऑफ NaCl कितने मोल ऑफ AgCl देता है, 1 मोल ऑफ AgCl देता है, ठीक है, तो आपको NaCl किस में दिया है ग्राम में, वेट दिया है, तो पहले उसके नंबर ऑफ मोल निकाल लो, तो इस AgCl के NaCl के NaCl के नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास या गिवन वेट बाय मोलर वेट, तो गिवन मास कितना है, गिवन मास से कितना 5.850 ग्राम, 5.850 अपॉन NaCl का मोलर मास कितना होता है बताओ, NaCl सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, आपको लास्ट क्लास में एवरेज एटॉमिक मास निकालना सिखाया था और क्लोरीन का एग्जांपल लिया था 35.5, तो 23 प्लस 35.5 कितना होगा, ये होगा 58.5 होगा, तो गिवन मास है 5.850 और इसका मोलर मास कितना है 58.5, तो आपको दिख ही रहा होगा कितना आएगा 1/10, 1/10 का मतलब क्या हो गया 0.1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना आ गया 0.1 आ गया, अब मेरे को एक बात बताओ कि 1 मोल NaCl है वो आपको 1 मोल AgCl देता है, तो 0.1 मोल NaCl आपको कितना AgCl देगा, 0.1 मोल AgCl देगा, कहानी क्लियर है, अब आपके पास AgCl के n ऑफ AgCl कितना आ गया, वो आ गया 0.1 मोल आ गया, तो बस उसका क्या निकालो, वेट निकालो, कैसे निकालोगे कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट MW, ओके कितने है नंबर ऑफ मोल 0.1 निकाला अभी ऊपर, गिवन वेट निकालना है, मोलर वेट किसका AgCl का कितना होता है, तो देखो भैया ध्यान से कि AgCl है सिल्वर कितना है 108, सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है 108 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो
तो 108 को 35.5 में ऐड करोगे, 8 रूपांतर आ जाएगा 143.5 इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, तो लगा दिया 143.5। अब इस वैल्यू को यहां पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W कितना जाएगा 0.1 × 143.5। 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये पॉइंट यहां से उठ के एक डिजिट पहले आ जाएगा, तो W = 14.35 ग्राम। मीन्स आपके पास 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा by the action of 5.850 gram of sodium chloride on excess of AgNO3। Simple, ठीक है? तो ये numerical थे। जब mass और mass में relationship हो, तो देखो stoichiometry ने कितना help किया कि one mole ये react करके one mole ये देता है। तो number of mole निकाल लो और उसके बाद weight में convert कर दो, हो गया। तो stoichiometry है। वो हमें क्या करती है, वो हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देती है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। फिर आपसे जिस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाए, ठीक है, उसी टाइप से उसको सोल्व करके फटाक से आंसर दे दो। आया कुछ समझ में? तो इसको एक बार उतार लो, फिर आगे हम लोग दूसरा मेथड पढ़ते हैं, कौन सा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, कि यहां पर वॉल्यूम आपको दे दिया जाए वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, और आपको मास निकालना हो वन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का, तो क्या करें? तो एक बार इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग दूसरे मेथड पे चलते हैं। अभी देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो क्या बोला था मैंने आपको कि अगर आपको वन ऑफ द रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का मास दे दिया जाए और वन ऑफ द रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का आपसे वॉल्यूम पूछ लिया जाए या फिर वाइस वर्सा, तो ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो वहां पे स्टोइकोमेट्री हमारी कैसे हेल्प करेगी पढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, आप अपने नोटबुक पे उतार लीजिएगा पहले और हम इसको सोल्व करते हैं कि क्वेश्चन करें कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन क्या दिया आपको, हैबर प्रोसेस दिया है N2+ में 3H2 give it to NH3, okay? If 10 gram of H2, भैया ये जो आपको H2 है, वो आपको 10 gram दिया है, क्या दिया है? 10 gram, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, H2 कितना दिया है? 10 gram, it reacts with N2, अब कितने N2 से react कर रहा है बताएंगे, लेकिन one of the reactants का आपको क्या दे दिया, mass दे दिया, what will be the volume of ammonia? अब ammonia क्या आपका product है, और इसका क्या पूछा है, volume पूछा है, कहाँ पर? At STP. इसका क्या पूछा है, वॉल्यूम। तो देखा ना, आपको वन ऑफ द रिएक्टेंट्स का मास दे दिया और आपसे प्रोडक्ट का क्या पूछ लिया, वॉल्यूम पूछ लिया, तो हो गया ना मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो ऐसी सिचुएशन में क्या काम करें, तो भैया पहले तो देखो बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस करने की आपको जरूरत नहीं है, तो रिएक्शन का स्टोइकोमेट्री क्या है, 1:3:2, ये इस रिएक्शन का स्टोइकोमेट्री है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग खेल लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ मोल में चले जाते हैं, कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से करते हैं। तो देखो ध्यान से, ठीक है, हमको फोकस करना है किसके ऊपर, हाइड्रोजन पे और अमोनिया पे, क्यों, नाइट्रोजन का तो इसने यहां पे कोई रोल अभी दिया नहीं, क्लियर है। तो हम इन दो पे फोकस करेंगे, तो दो पे क्या फोकस करेंगे कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपको कितने मोल ऑफ अमोनिया दे रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया दे रहा है। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले जो वेट दिया है, मास दिया है किसका, हाइड्रोजन का, उसका क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। तो इसके नंबर ऑफ मोल निकालेंगे H2 के, कितना आएगा, गिवन मास 10 और H2 का मोलर मास कितना होता है, 2, कितना आ गया आपके पास, 5 मोल्स आ गए, कितने मोल्स आ गए, 5 मोल्स। तो अब देखो ध्यान से कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपको क्या दे रहा है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया दे रहा है, तो फिर 1 मोल कितना देगा, 1 मोल ऑफ H2 कितने मोल आपको NH3 देगा, 2/3, और आपके पास कितना आ गया, 5 मोल्स, तो 5 मोल कितना देगा, 2/3 × 5, टोटल कितना आ गया, 10/3, आपके पास 10/3 मोल्स आ गए किसके, अमोनिया के आ गए। ये कहानी समझ आ गई आप लोगों को। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, किस पे, STP पे। तो अब हम लोग यहां पर कौन सा हाइपोथेसिस आ गया, एवोगैड्रो, कि एट STP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना होता है, 22.4 लीटर, ठीक है। अब आपके पास NH3 के अमोनिया के कितने मोल है,
टेन बाई थ्री, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ठीक है, वॉल्यूम निकालेंगे 10/3 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 22.4 से। सिंपल, ठीक है। तो आपको कैसे आएगा ये कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 2.24 हो गया। 2.24, 2.24 क्यों? 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या जाएगा? एक पॉइंट यहां से यहां चला जाएगा, ये हो गया 224/3। सॉल्व कर लो, 7 3 21, पीछे बचा 1 14, तो 3 4 12, तो 14 में से 12 क्या बचा? 2, 0 उतार लिया। 3 6 18, फिर 2 बचा, फिर 0 उतारा 6, फिर उतारा 6, तो हमने क्या कर लिया? 7 कर लिया। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया? 74.67। और ये किसमें आएगा? 22.4 क्या था? लीटर था ना, तो ये वॉल्यूम किसमें आ गया? हमारे पास लीटर में आ गया, 74.67 लीटर। सिंपल, क्लियर है? दोबारा से बताया, तो क्या करना है? रिएक्शन आपको दी है, ठीक है, आपको H2 का क्या दिया है? मास दिया है, और NH3 का वॉल्यूम दिया है, तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया। फिर करना क्या है कि जिसका जिसका आपको वैल्यू दिया है या निकालना है उसको सर्कल कर दो, उसी से काम है, बाकी किसी से काम नहीं है। तो देखा आपने कि इसका वॉल्यूम निकालना है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ले लो, तो हमने स्टोइकोमेट्री लिख दिया, तो हमने देखा कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपको 2 मोल ऑफ अमोनिया दे रहा है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपको कितने मोल ऑफ अमोनिया देगा? 2/3। तो फिर 10 ग्राम आपको हाइड्रोजन दिया है, उसके नंबर ऑफ मोल निकाले, गिवन मास बाय मोलर मास 10/2 हो गया, मोलर मास हाइड्रोजन का 2 होता है, तो कितना आ गया ये 5। तो 1 मोल हाइड्रोजन आपको 2/3 मोल ऑफ अमोनिया देता है, तो 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपको कितना देगा? 2/3 × 5, बोले तो 10/3 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो फिर एसटीपी आपको दिया गया है, एसटीपी पे किसी भी गैस का 1 मोल कितना होता है? 22.4 लीटर। तो इसके अमोनिया के मोल कितना है? 10/3, तो 10/3 × 22.4 लीटर करेंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा, और वो आ रहा है 74.67 लीटर। सिंपल, कहानी समझ आ गई? तो हम लोग इस स्टोइकोमेट्री की हेल्प से मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप को तो भी अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं कि एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कंबस्शन हमारा फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 3 ग्राम इथेन, पहले रिएक्शन लिख लेता क्योंकि रिएक्शन दी नहीं है, इथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6, ठीक है, ओके। कंबस्शन करना है, कंबस्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। टेम्परेचर कितना दिया? 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनेगा आपका? एक तो बनेगा CO2, कितने कार्बन है? 2, तो 2 लिख दो CO2। कितने हाइड्रोजन है? 6, तो क्या लिखोगे? 3H2O। ये बात समझ आ गई? अब पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, ये तो स्केलेटल रिएक्शन थी, नाउ द सेकंड स्टेप इज टू बैलेंस द रिएक्शन। कैसे करोगे? आपने देखा दो कार्बन ओके, 6 हाइड्रोजन ओके, क्या बचा? ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट में देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 4, 2 2 4, एड 3 कितना हुआ? 7, और यहां पर कितना है? 2, तो कितना जाएगा हमारे पास? 7/2, क्योंकि 7/2 × 2 करोगे तो क्या जाएगा? 7। अब रिएक्शन बैलेंस हो गई, तो इस रिएक्शन से हमको क्या पता लग रहा है? हमको पता लग रहा है कि 1 मोल ऑफ इथेन रिएक्ट विद 7/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मोल ऑफ CO2 एंड 3 मोल ऑफ वाटर। तो ये रिएक्शन का क्या हो गया? स्टोइकोमेट्री हो गया। रिएक्शन का क्या? मैं इसको 7/2 को एक बार 3.5 में लिख रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा टफ हो जाएगा, 7/2 बड़ा रहने देते ना, कट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन कि 100 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम इथेन, आपको तो एक तो इथेन से लेना देना, 3 ग्राम दिया है, ओके। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 एंड प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ CO2, आपको O2 से लेना देना है और CO2 के वॉल्यूम से लेना देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 निकालना है और प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना है, कब? एट एसटीपी पे। एसटीपी पे किसी भी गैस का 1 मोल कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो इसका मतलब ये O2 भी यहां पर क्या है? गैस है। CO2 भी यहां पर क्या है? गैस है। और इथेन भी यहां पर क्या है? गैसी तो है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल निकाल लो इन दोनों के, और उसके बाद उनको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कहानी समझ गए ना? तो कैसे लिखोगे कि सबसे पहले देखो, मैं बात कर रहा हूं किसकी? O2 की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? O2 की। और बाद में बात करेंगे किसकी? CO2 की। तो O2 में क्या है कि 1 मोल ऑफ इथेन कितने मोल ऑफ O2 कंज्यूम करता है? 7/2 या 3.5 मोल ऑफ O2 कंज्यूम करता है। अब आपको इथेन का दिया है मास,
ठीक है, तो एक काम करो पहले, तो आपको गिवन मास कितना दिया 3, तो इथेन का क्या निकालो, मोलर मास निकालो। तो मैं क्या निकालने वाला हूं कि नंबर ऑफ मोल्स n ऑफ C2H6, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेन निकालते हैं। गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास है 3 और मोलर मास कितना है इथेन का, देखो कार्बन का होता है 12 और दो कार्बन का कितना हो गया 24 और एक हाइड्रोजन का 1 तो 6 का 6, 24 प्लस में 6 कितना हुआ 30, तो मोलर मास कितना हो गया 30 और 3/30 कितना हो गया 0.1। तो आपके पास जो इथेन के नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.1 मोल, कहानी समझ आ गई, ठीक है। अब देखो 1 मोल ऑफ इथेन कितने मोल ऑफ O2 कंज्यूम करता है 7/2, तो क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं 1 मोल C2H6 इट कंज्यूम्स कितना 7/2 मोल O2, 7/2 मोल O2। तो आपके पास कितने मोल इथेन है 0.1, तो 0.1 मोल C2H6 कितने कंज्यूम करेगा 7/2 इनटू 0.1 यानी 0.7/2 कितना हो जाएगा, ये 0.7/2 या मैं इसको लिख सकता हूं 0.35, लेकिन लिखने की जरूरत है नहीं, 0.7/2 एक बार पढ़ा रहने दो, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से कि हमारे पास ये 0.7/2 ये मोल किसके आ गए, O2 के आ गए, किसके आ गए O2 के, बस मोल आ गए। STP आपको बोला है 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा, तो क्या लिखते रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.7/2 इंटू 22.4 क्या जाएगा लीटर। इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, 2 बंदा 11.2 आ गया ना। अब इस 11.2 को 0.7 से करना है, तो एक बार करते हैं कि कितना आएगा, ये 7 × 2 = 14 एक बचा, 7 × 7 और 1 8 और ये कितना हुआ 7 784। अब यहां पर पॉइंट एक डिजिट से पहले, यहां पर एक से पहले, तो ये कितना आ गया आपका 7.84 लीटर, कितना आ गया 7.84 लीटर। ये ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड वॉल्यूम है फॉर द कंबशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ इथेन, कहानी समझ आए, इजी था, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है किसका, CO2 का, CO2 का, जगह बची है, जगह बची, तो एक काम करो इसको एक बार उतार लीजिए, ठीक है, मैं मिटा देता हूं, ठीक है, चलो तो जगह बची है, कैलकुलेट यहां करेंगे इसको, ठीक है। तो क्या बोला, सेकेंड क्या पॉइंट बोला यहां पर, किसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग, CO2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वही बात वही हो गई कि 1 मोल ऑफ इथेन कितने मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस करता है, 2 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस करता है। 1 मोल आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो डायरेक्ट करोगे, जो मेरे को समझाना है सबको अच्छे से, इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो 1 मोल ऑफ C2H6 इट प्रोड्यूसेस कितना, 2 मोल CO2। तो कितने मोल निकाले हमने C2H6 के, 0.1 मोल निकाले थे, तो 0.1 मोल इथेन कितना प्रोड्यूस करेगा, 0.2 मोल, 1 मोल 2 मोल को प्रोड्यूस कराया, तो 0.1 मोल 0.2 मोल को प्रोड्यूस कर देगा CO2 को, CO2 कहानी क्लियर है। अब जो 0.2 मोल आ गया CO2 का, STP है, क्या दिया आप लोगों को, एट STP, तो वॉल्यूम निकालो किसका, CO2 का, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल है कितना 0.2, किससे मल्टीप्लाई करोगे 22.4 से, 22.4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44.8 आता है, लेकिन ये 0.2 है तो ये हो जाएगा 4.48 लीटर, सिंपल। तो देखो ये स्टोकियोमेट्री से हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाता है, न्यूमेरिकल हमको समझ में आ जाता है कि हमको करना कैसे है, ठीक है। तो स्टोकियोमेट्री का मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, समझ आओगे। तो न्यूमेरिकल किए मैंने 2, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपकी एक्सरसाइज में या कहीं से भी आपका असाइनमेंट हो, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर करके देखिए, ठीक है, धीरे धीरे आपके लिए इजी हो जाएगा। बिगिनिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इजी। और हमको क्या करना है, हमको कॉन्सेप्ट को इजी तो बनाना है, ठीक है, उतार लो इसको, फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं किसके ऊपर, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के ऊपर।